पंजाब का अर्थचारा जो पंजाब की आर्थिक स्थिति है पंजाब के भूगोलिक स्थिति मुताबिक किसानी उपर टिकी हुई है। अगर किसानी सफल होंगी है तो देश का अर्थचारा पंजाब का अर्थचारा मजबूत होंगे। वो किदा होएगा आने वाला समा झोने का सीजन शुरू होने जा रहा है, सप्लाई बिजली की ना मात्रा है, बिजली बोर्ड इस प्रति संजीदा नहीं है। गल करांगे दराहा स्टेशन ते खड़े हाँ, दराहा बिजली ग्रिड है, किसान इकट्ठे हुए ने पिंड बेगोवाल तो, तीन ट्रांसफार्मर जो खराब सी उन्हां प्रति उन्हें शिकायतां सन, अज इत्थे हाजिर होए ने धरना वास्ते, परंतु जो इत्थे अधिकारी ने एक्शन साहब ने उन्होंने मिलकर विश्वास तो दवा दिता, बट ये मसला हल होएगा कि नहीं होएगा भविख का सवाल है। गल करांगे इत्थे जो हाजिर होए ने साडे किसान यूनियन आगू भी हाजिर ने, उन्हों का की कहना कि इस अगर बिजली नहीं समय सर आँगी तो किसानी का जो यह खेतीबाड़ी का मुद्दा है ये किमें चलेगा, अर्थचारा किमें तुरेगा, खेती किमें सफल होएगी, गल करांगे साडे नाल हाजिर ने गुरी जी धमोट। धमोट जी की कहना चाहोगे? अभी तो जी ये कहना चाहते हैं भी जो खेती सैक्टर आनू 8 घंटे प्रोपर लाइट दिती जाए, जे कोई लाइन के फल्ट पैंता तो वो जिनी बारी कट्टी जाती दोबारा बारी सानू दिती जाए 8 घंटे जो खेती सैक्टर आ। ये हुण 6 घंटे लाइट आ रही आ, मिसीबन तकरीबन 6 घंटे लाइट आँदी आ, जे कोई कट लग जाता तो जो 11-12 ट्रांसफार्मर रह जाते उन्होंने कोई लाइट नहीं दोबारा दिती जाती, वो बारी मर जाती आ। असी एक्सीडेंट साहब को यही बेनती करते हैं बी जिहड़ी लाइन कट होंदी आ प्रोपर सारी वो कट होवे, उहदी दुबारा लाइन दित्ती जावे उहनू, वी उहदी 8 घंटे सप्लाई दित्ती जावे उहनू। यही दुबारा इहनां नूं बेनती करदे आ। उहनां दा कहना सी कि जो सप्लाई आ असीं 3 शेड्यूल च दे रहे हां, 8-8 घंटे प्रोपर दे रहे हां। नहीं जी, प्रोपर पूरी सप्लाई नहीं आ रही हैगी, विच्चों 7 घंटे किते 6 घंटे 8 घंटे लाइट नहीं पूरी आ रही किते वी। जिस तरह के जी तुसीं हुणे कहा कि तुहाडे 3 ट्रांसफार्मर भी खराब ने, इह समस्या ट्रांसफार्मरां दी किन्नी क देर तों चली आ रही है? ये ट्रांसफार्मर का जी, ये 18 मोटर ने एक ट्रांसफार्मर से, चाहे वह 100 का ट्रांसफार्मर जी किमें चल जूगा जी, मोटर 10 दियां ने किसी दियां 7.5 दियां ने। नहीं जिहड़े 3 ट्रांसफार्मर खराब ने किन्ने पिछले लंबे समय तो खराब ने जी? मैनू नहीं बारे लगभग पिछले समय तो ही चल रहा है, उन्हों का खराबी का तो नुक्स काफ़ी लंबे समय तो ही, पर हुण ज़्यादा हो गए, जाने कि लोड ज़्यादा पै गया, सारिया मोटर चलन करके उन्होंने लोड ज़्यादा वा ता करके खराब। कुलो 3 खराब नहीं है, उन्होंने एक नेरी नाल उन्हों का 11 kV डिगी आ, वो ता खराब चल रहा वा, एक दी सुच नहीं कट्टी जा रही, वह बार बार फ्यूज उड़ रहा वा, वो प्रॉब्लम आ। एक चलो वह बिल्कुल ही खराब ही हो गया वा, वो 18 मोटर ने, वो बिल्कुल सारिया 18 मोटर ने, असी सारे नाल गल करी सी, उन्होंने सानू विश्वास दवाया कि असी एक एक्सट्रा ट्रांसफार्मर एक्सीडेंट साहब उन्होंने कहा भी असी थोनू 3 तो 4 दिन के हल कर दें, भी मतलब उन्हों दी 4 मोटर अलग तो उस ट्रांसफार्मर ला दें, फिर दोबारा धरने से उही जारी है साडा, तो मुद्दा तो उत्थे तो उत्थे ही आ। एक तो लाइट की पहले ही प्रॉब्लम आ, पहले ही 6-7 दिन बाद लगभग सानू लाइट मिली आ, तो होर सानू कोई वह नहीं। बेगोवाल पिंड इस तरह जी, पहला तो 11 तरीक नूं जिहड़ी नेरी आई है उदों खंभे डिग पए सी काफ़ी ज़्यादा, ट्रांसफार्मर डिग गए, लाइना वेचीआं सी, असी फिर एक्सट्रा स्टाफ ला के सारिया छुट्टियां ला के दिन रात ला के रात नूं 8-8 बजे तक बंदे लगे रहे हैं, तो वह लाइना खड़ियां कराइया। 15 तरीक नूं असी बिजली दित्ती है, जिहड़ियां लाइना खड़ियां हो गई सी उन्हां नूं 8 घंटे पूरी 8 घंटे बिजली मिली है। कल 16 तरीक सी, कल इन्हां नूं असी दित्ती है 6 घंटे 20 मिनट बिजली, मेरे रिकॉर्ड च बिजली घर च दर्ज है, 8 घंटे मिलनी सी पर 6 घंटे 20 मिनट मिले। खराब ने बिल्कुल, मेरे को एको ट्रांसो खराब आया 100 kV भगत सिंह वाला, बाकी सारे ट्रांसो मेरे चल रहे। खराब दस रहे नहीं, होर कोई ट्रांसो खराब नहीं गा, उन्होंने दसा एक ट्रांसो की स्विच नहीं कट्टी जाती, ट्रांसफार्मर सड़िया एको ही होया, वो असं ट्रांसफार्मर बदली कर देने, तो ये दस रहे भी वह ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, असी वो एक ट्रांसफार्मर ला के होर डीलोड भी कर देने। 18 मोटर चलते हैं एक ट्रांसफार्मर पर, चक सकता मैं चेक करूँगा, इन्हें दसन तक 18 चल रही है जी, जो 18 चल दी हुई असं वो एक ट्रांसो होर ला के डीलोड कर देंगे। जो ट्रांसो सड़िया बदलना वो तो शाम तक बदल देंगे जी, जो नवा ट्रांसफार्मर लाना है उन्होंने 2-4 दिन लग जाएंगे। बिजली सप्लाई खेती सैक्टर वाली दिन रात छोगे वो शड्यूल 3 शिफ्टा चाहिए जी, सवेरे एक फीडर सवेरे 4 बजे तो 12 बजे तक चल रहा जी 8 घंटे, वो फीडर बंद होने तो बाद फिर 12 बजे तो 8 बजे तक एक फीडर चलता, फिर तीसरा शड्यूल रात को 8 बजे तो लगे सवेरे 4 बजे तक, 3 शिफ्टा चाहिए ड्यूटी, असी 8 घंटे बिजली देनी होंगी है, 24 घंटे 8-8 घंटे बंडे हुए, एक फीडर की वारी खत्म होंगी है दूजे की शुरू हो जाती है, जे कोई फीडर नुकसदार हो जाता वो जगह पर असं दूसरा फीडर चला देंगे।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਾਹਤੁਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, BBC ਨਿਊਜ਼।